सबसे पहले उन लोगों को सॉरी कहना चाहूंगा जो लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे सैमसंग गैलेक्सी M34 वर्सेस iQOO Z7। भाई iQOO Z7 स्टॉक में नहीं है अमेज़न में, मेरे पास डिवाइस है। अब या जब स्टॉक में है नहीं कहां से आप बाय करेंगे? लेकिन आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का जो वीडियो है ये है इस वाले फोन के साथ कंपैरिजन, जो है Realme का Narzo 65G। दोनों ही फोन अंडर 20 के आते हैं, कौन सा फोन आपके लिए परफेक्ट है, क्या प्रोज है, क्या कौन सा है, सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसी बात में एक लाइक तो बनता है, चैनल पे पहली बार पधारे हैं भाई सब्सक्राइब भी कर देना। देखिए दोनों फोन में जो 5G है ये बिंदास चल रहा है, बहुत सारे 5G के बैंड मिल जाते हैं, 4G प्लस का सपोर्ट है, गूगल का सत्यवादी वाला डायलर भी आपको देखने को नहीं मिलता है। भले Realme के फोन में आपको ओ डायलर सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। हैप्टिक फीडबैक जिस प्राइस ब्रैकेट में ये फोन इंडिया में लॉन्च हुए हैं उसके हिसाब से अच्छा वाला है। हाइब्रिड सिम स्लॉट है, मतलब यार एक मेमोरी कार्ड एक सिम कार्ड डाल सकते हैं। आपको बैटरी नहीं बहुत ही बड़ा वाला बैटरा चाहिए, आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। यहाँ पर जो 6000 mAh की बैटरी है वो बिंदास 2 दिन टिक जाएगी, लेकिन बॉक्स के अंदर कोई भी चार्जर नहीं है। और यहाँ पर जो चार्जिंग का सपोर्ट है वो भी थोड़ा सा कम है, 25 वॉट का। आप बाय करते हैं Realme का फोन, यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। आज की डेट में मैक्सिमम फोनों में यही वाली बैटरी चिपका के दी जा रही है, बिंदास यार एक दिन चल जाएगा। बॉक्स के अंदर जो चार्जर है वो है 33 वॉट का, इस फोन को भी चार्ज करने में आपको समय लग सकता है। तो भैया बैटरी बैकअप के मामले में सैमसंग गैलेक्सी M34 5G आपको काफी कमाल का लगेगा। देखिए दोनों ही फोनों में 5G वाला प्रोसेसर है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है Realme के फोन में। और यार मीडियाटेक वाले भी ना पुराने वाले प्रोसेसर को नए वाले नाम से लॉन्च कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हर एक ब्रांड यार आज के डेट में पैसा कमाने में लगा हुआ है। सैमसंग गैलेक्सी M34 5G में इनके घर का ही प्रोसेसर है Exynos 1280। देखिए आपको खुला बोल सकता हूं, यदि आपका बजट ज्यादा है, आपको गेमिंग वाला फोन लेना है, मेरे हिसाब से आपको किसी और डिवाइस में जाना चाहिए, चाहे वो मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 वाला फोन हो या कोई और डिवाइस हो। इन दोनों ही फोनों में जब भी आप हैवी वाले टास्क करेंगे, मतलब गेम वेम खेलेंगे, थोड़ा सा यार आपको दिक्कत पक्का होने वाली है, क्योंकि परफॉर्मेंस डिसेंट तो मैं कह सकता हूँ लेकिन बहुत ज्यादा हाई फाई वाली नहीं है। दोनों ही फोनों में UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है। जब मैंने एंटीटू बेंचमार्क स्कोर चेक करा, यहाँ पर जो फोन आगे जा रहा है वो है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। दोनों ही फोनों में कोई भी मेजर थ्रोटलिंग इशू नहीं है, और भाई बहुत ज्यादा गर्म भी फोन नहीं होते हैं। सैमसंग के फोन में जो BGMI की सेटिंग है आप देख लो, और थोड़ा सा है यार बेहतर सेटिंग मिल जाती है Realme के Narzo 65G में। तो भाई इतना कहूंगा, दोनों फोन का जो प्रोसेसर है इससे मैं एवरेज कह सकता हूँ। जो आपके काम वाम होंगे ना दिन भर के, मान लीजिए आप WhatsApp चला रहे हैं, YouTube में वीडियो देख लिया, और भी जो यार नॉर्मल वाले काम है अंडर 20 के, ये दोनों फोन सरवाइव कर जाएंगे। मतलब प्रोसेसर एवरेज वाला है, अब आपके ऊपर है, आपके पास ज्यादा पैसा है किसी और फोन की तरफ आप जा सकते हैं यदि आपको तगड़ी परफॉर्मेंस लेनी है। दोनों ही फोनों में नीचे की तरफ हेडफोन वाला गड्ढा देखने को मिल जाता है, सिंगल स्पीकर है, डॉल्बी एटमॉस का फीचर आपको देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G में। और यहां पर जो स्पीकर है वो थोड़ा सा ज्यादा लाउड भी मैं कह सकता हूं। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। देखिए आपको बिना बैक कवर के फोन को यूज करना है, आपके हाथ की उंगलियां भी नहीं छपनी चाहिए। आपके पास है Realme Narzo 65G, यहां पर बॉक्सी वाला सेब है, साइड में फ्रेम चमक रहा है लेकिन ये भी प्लास्टिक वाला है। डिजाइन डिजाइन के मामले में काफी कॉम्पैक्ट है, बहुत सारे लोगों को ये वाला डिजाइन पसंद भी आएगा। जो कैमरे का बम्प है ये भी बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकला हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है, फोन का जो वेट है ये है केवल और केवल 183 ग्राम के आसपास। आगे की तरफ 120 हर्ट्ज का नहीं 90 हर्ट्ज का एमोलेड वाला डिस्प्ले मिल जाता है। आउटडोर की जो ब्राइटनेस है वो है 1000 निट्स की, और भाई गोरिल्ला ग्लास 5 की भी आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। दूसरी तरफ सैमसंग के गैलेक्सी M34 5G में आगे की तरफ 120 हर्ट्ज का एमोलेड वाला डिस्प्ले मिल जाता है, और यहां पर भी आउटडोर की जो विजिबिलिटी है ये है 1000 निट्स की। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने यार कंपैरिजन किया, सैमसंग का फोन मुझे ज्यादा ब्राइट लग रहा है, और इस फोन का जो वेट है ये है 208 ग्राम के आसपास, लेकिन काफी कॉम्पैक्ट है। बैक में कर भी है, इसकी वजह से यार पकड़ने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। थोड़ा सा ग्लॉसी वाला फिनिश है, पीछे की तरफ पॉलीकार्बोनेट का ही मटेरियल है। कृपया करके बैक कवर पक्का लगवा लीजिएगा, नहीं तो आपके फोन में बहुत ही जल्दी से स्क्रैच आ सकता है। बॉक्स में ना तो बैक कवर है और ना आगे की तरफ कोई भी प्रोटेक्शन लगी हुई है।
लेकिन गोरिल्ला ग्लास 5 है। हाँ, दोनों फोन में जो नीचे वाली चिन है ये आपको थोड़ी सी बड़ी लग सकती है, और जो सैमसंग का गैलेक्सी S34 5G है, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे भाई ऊपर की तरफ यू शेप वाली नॉच ना होती, पंच होल होता और भी ज्यादा मजा आ जाता। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। देखिए दोनों ही फोनों में एंड्रॉइड 13 मिलता है, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट है, लेकिन आपको सैमसंग का फोन या जचने वाला है क्योंकि 4 एंड्रॉइड के वर्जन मिल जाएंगे, मतलब 14, 15, 16, 17 भी मिलेगा, 5 साल का सिक्योरिटी पैच भी इस फोन में दिया जाएगा। और मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में सैमसंग काफी कमाल का है, कोई भी यार आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़े से यार ब्लोटवेयर हैं, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन फीचर भरपूर मात्रा में है, NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो रियलमी का UI है यहाँ पर भी ऐड नहीं है, लेकिन ब्लोटवेयर है, इसमें यार आपको मेहनत करनी पड़ेगी ब्लोटवेयर को हटाने के लिए। इस फोन में भी 14 और 15 दिया जाएगा, 3 साल का सिक्योरिटी पैच भी मिलेगा। आप बताओ सैमसंग वर्सेस रियलमी में आपको कौन सा UI पसंद है? इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लेना चाहते हैं, आपके पास है रियलमी का नार्जो 65G, थोड़ा सा यार और ज्यादा फास्ट होना चाहिए, साइड माउंटेड काफी ज्यादा फास्ट चल रहा है सैमसंग गैलेक्सी F34 5G में। कैमरा कौन से फोन का बेहतर है? देखिए अल्ट्रा वाइड वाले सेंसर की आपको कमी पक्का खलेगी, लेकिन जो मेन सेंसर है वो है 64 मेगापिक्सल का, दूसरा है 2 मेगापिक्सल का, इसका यूज क्या ही है ऊपर वाला जाने। आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G में, बैक में 50+8+2 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है, सेल्फी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का। ये रही आपके सामने अल्ट्रा वाइड वाली फोटो, मतलब यार सैमसंग के पास ये प्लस पॉइंट है। अब मैं आपको यार दिन वाली फोटो दिखाता हूँ। देखिए एक फोटो में यार आपको ज्यादा कंट्रास्ट दिख रहा होगा, जो है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G, और एक फोटो ज्यादा चमका दे रही है, आपको ज्यादा वाइड बना दे रही है। सैमसंग की फोटो कभी कभी आपको वार्म लग सकती है, लेकिन कमाल की है, और यार जनता भी अलग अलग है, किसी को ज्यादा गोरा बनना है, कोई कहता है नहीं यार जैसा मैं हूं वैसा मैं दिखना चाहता हूँ। पोर्ट्रेट वाली फोटो भी यार आपको दोनों फोन से ठीक ठाक लग जाएगी, एजेस और ज्यादा शार्प हो सकते थे। नाइट फोटो क्लिक करना चाहते हैं सैमसंग गैलेक्सी M34 5G में, आपको डिटेल काफी अच्छी लगेगी। आपको चाहिए OIL तो भाई आपके पास विकल्प है, सैमसंग गैलेक्सी M34 5G 4K वाले भी वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पे, और जब मैंने रिकॉर्ड किया 1080p वाला वीडियो, यहाँ पर सैमसंग का यार वीडियो आपको काफी स्टेबल लग रहा होगा। सेल्फी कैमरे में जो स्किन टोन है ये आपको बेहतर लगेगी सैमसंग गैलेक्सी M34 5G की। अब मुद्दे की बात करते हैं, आपको कौन से फोन की तरफ जाना चाहिए? सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी M34 5G के प्रोज एंड कॉन्स देख लीजिए। अब बारी है यार रियलमी नार्जो 65G के प्रोज एंड कॉन्स की। मेरे हिसाब से कोई भी फोन परफेक्ट नहीं होता है, सब में अच्छी बातें भी होती है, कुछ बुरी बात भी होती है। सैमसंग के फोन में बड़ी वाली बैटरी मिल रही है, अच्छा वाला सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है, लंबे समय तक ये फोन टिक जाएगा, 120Hz का डिस्प्ले है, और भाई जो कैमरा है ये भी काफी बिंदास है। रियलमी वाले आपको अच्छा वाला डिजाइन दे रहे हैं, वेगन लेदर 2023 में ट्रेंड बना हुआ है। हाँ, अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर देखने को नहीं मिलता है, अभी जो मुझे पता था उसके बारे में आपको बता दिया। अब आप बताओ आपको क्या लगता है इन दोनों फोन में कौन सा फोन काफी बेहतरीन है? आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जाते आते यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमचमाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।